हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस के बारे में आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू और कोड के थ्रू समझेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, हमारे पास नेक्स्ट कोड है सी प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए देखना है कि हमारे पास जो नंबर हमने दिया है वो इवन है कि ऑड है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने नंबर हैं हमने उनकी पहले बाइनरीज लिख लेते हैं। बाइनरीज हमने लिख ली 1 से लेके 8 तक नंबर की, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 होती है। ये देखिए, हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर 1 होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर क्या है, ऑड है। देखिए, 1 की भी बाइनरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास जो है LSB 1 है, इसकी भी 1 है, 3 की भी, 5 की भी, 7 की भी। जबकि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब अगर 0 होती है तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है। देखिए, हमारे पास क्या है, 2 का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0, 4 की 0, 6 की 0, 8 की 0, ठीक है। यही नॉलेज हमने लेते हुए ये कोड लिखा है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, इंटर करवा रहे एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब इफ अगर नंबर का एंड किया जाए 1 के साथ, तो हमारे पास अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आती है तो हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर होगा, अदरवाइज क्या होगा, इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ले लिया, जब यूजर से 2 नंबर एंटर करवाया तो उसकी बाइनरी लिखी, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 के साथ एंड करवा रहे हैं। 1 के साथ जब हमने एंड करवाया तो क्या करेंगे, इधर 1 लिखेंगे, ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो 1 का जब इसके साथ एंड करवाएंगे तो 0, ये 0, 0, 0। तो हमारे पास LSB को देखेंगे, LSB क्या है, 0। तो हमने कहा था जब LSB 0 होगी तो हमारे पास इवन नंबर होगा, अगर इधर हमारे पास LSB क्या होगी, 1 होगी, तो वो ऑड नंबर होगा। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, इज इवन, ठीक है। ये जो नंबर एंटर किया वो हमारे पास इवन है। फॉर एग्जांपल हम अगर 2 एंटर नहीं करते, कोई और नंबर एंटर कर लेते, फॉर एग्जांपल 3 एंटर किया, 3 की बाइनरी लिखते हैं, 3 का 1 के साथ एंड करवाते हैं, इधर 1 लिखा, बाकी सारे 0, 1 1 1 हो गया, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। LSB को देखते हैं, LSB हमारे पास क्या है, ये 1। अगर LSB हमारे पास 1 आती है तो क्या होगा, नंबर हमारे पास ऑड होगा। तो इस कोड को रन करके देखते हैं, डेफ को ओपन करते हैं, ये कोड लिखते हैं और रन करके देखते हैं कि वाकई ये हमारे पास सही काम कर रहा है। तो ये हमने डेफ पे कोड लिख लिया, यूजर से एक नंबर ले रहे हैं, फिर उसका एंड करवा रहे हैं और इवन और ऑड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये कोड जो हमने उधर समझा था वो इधर हमने लिख लिया। अब इसे रन करके देखते हैं, एक दफ़ा 2 इंटर करेंगे और एक दफ़ा 3 इंटर करके देखेंगे। तो हम कह हमें कह रहे हैं इंटर करें नंबर, 2 इंटर किया तो क्या है, 2 इज़ इवन। हमने जो नंबर इंटर किया वो क्या है, इवन है। तो अब 3 इंटर करके देखते हैं, हमने इंटर किया 3, तो क्या है, 3 इज़ ऑड। तो इसकी वर्किंग हो गई, ठीक ठीक है। अब जाते हैं अब स्लाइड की तरफ, लास्ट कोड है हमारे पास, उसे देखते हैं, ठीक है। जी व्यूवर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी, कोड देखे और फिर हमने उसकी प्रैक्टिस की है। तो उम्मीद है कि आपको बिट वाइज ऑपरेटर डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।